हाय फ्रेंड्स, आज मैं कच्चे पक्के जो आधा कच्चा आधा पक्का आम के अचार बनाने जा रही हूँ, वो भी इंस्टेंट बनाऊंगी। ये थोड़ी सी मेथी, हींग, कुटी हुई सरसों और लहसुन, और ये थोड़ी सी तेल, कोई भी तेल आप लो कोई बात नहीं। हाँ, आपके तेल आपके मर्जी अनुसार डालो। तो तेल गर्म होने के बाद मेथी को डाल दीजिए, मेथी को अच्छे से फूटने दीजिए। फूटने के बाद उसमें हींग डालिए, हींग को थोड़ा जलने दे, स्मेल आएगा उसमें अच्छा सा, ना अचार में अच्छा सा स्मेल आएगा। फिर लहसुन, ढेर सारे लहसुन कूट के डालिए। हाँ, लहसुन को कूट लीजिए। और ये है कुटी हुई सरसों, कुटी हुई सरसों को ये सारे को अच्छा से थोड़ा सा हल्का सा भून ले। फिर डालिए हल्दी और रेड चिली पाउडर, वो आपके टेस्ट के अनुसार है। और आम में पहले ही, आम जो कटी हुई आम है उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक और ये डाल के थोड़ा सा रखिए ताकि उसमें थोड़ा पानी निकल जाए। अब इसको आम को डाल दीजिए और फ्लेम को हाई करिए और फिर उसको अच्छे से चलाइए। हाँ, चला के उसको थोड़ा पानी जो है, आम में जो पानी रस निकलता है उसको थोड़ा सा सूख जाने दे। तब जाके क्या होगा, थोड़ा दिन बाद आपका वो आम का अचार ठीक रहेगा। थोड़ा सा विनीगर मिलाइए, ये मैंने दिखाना भूल गई। और ये लीजिए, आपका इंस्टेंट आम का अचार बन गया। आप इसको धूप में डाल सकते हो, फ्रिज में भी रह सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।